हेलो फ्रेंड्स, पलवीज फास्ट फूड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पोहा बनाना बताऊंगी और पोहा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला है, तो चलो हम देर नहीं करेंगे। मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट लिया है। अभी चलो हम गैस की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच तेल, 1 टीस्पून राई। फ्रेंड्स, राई का तड़का जब हम लगाते हैं तो राई का अलग ही फ्लेवर होता है। जीरे से ज़्यादा राई ही पोहे में सेट होती है, तो आप भी राई का ही यूज किया करें। अभी ये प्याज हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये थोड़े थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते, हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, देखो ये हल्का हल्का जब नरम हो जाएंगे टमाटर, तब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अभी टमाटर को नरम करने के लिए मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया है इसमें। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए बंद कर 5 मिनट के लिए हम इसको स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, टमाटर एकदम नरम हो गए हैं। अभी हम इसमें एकदम बारीक कट किए हुए आलू, ये देखो फ्रेंड्स मैंने इस हिसाब से काटे हैं। आप भी ऐसे छोटे छोटे आलू काट लेना। क्या फ्रेंड्स, ये टमाटर सीजते हैं, जब तक प्याज सीजते हैं उनके साथ ये आलू छोटे कट किए होंगे तो जल्दी सीज जाएंगे। अभी मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और ये चाट मसाला। अब मैं फ्रेंड्स से मसाले को अच्छे से मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि आलू भी हमारे जल्दी से पक जाएं। ये फ्रेंड्स मैंने इस पैकेट का यूज़ किया है, आप कोई भी पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पोहे को अच्छे से धो लेंगे। फ्रेंड्स, पोहे में जो मिट्टी सी आती है वो हमें निकालनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, पोहे एकदम ख़राब बनते हैं, इसलिए हमको हल्के हल्के हाथ से ये पोहे धो लेने हैं। ये देखो मैंने एक बार धो लिया है, इसका गंदा पानी हम निकाल देंगे। अभी देखो दूसरी बार धो रही हूँ मैं इसको, हल्के हल्के हाथ से इसको भी फिर से धो लेंगे और इसका गंदा पानी निकाल देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ना कितना गंदा पानी निकलता है पोहे में से। ये देखो ये पूरा पानी गंदा मैंने निकाल दिया है इसमें। अब हम इन पोहों के अंदर 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम कढ़ाई में सीधा ही डाल देते हैं पोहों को धो के, तो ये मिल नहीं पाते हैं और आधे तो वाइट वाइट रह जाते हैं और आधे ऐसे येलो येलो से हो जाते हैं। इसलिए हम मेरी ट्रिक है ये, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ पोहे, तो आप भी ऐसे ही बनाना। इससे सारे में अच्छा लगे, सारे में मिल जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। अभी इसको मिला देंगे। देखो फ्रेंड्स, पोहे कितने सुंदर पोहे बन के रेडी हुए हैं। ये देखो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको सर्व करेंगे। ये देखो अब मैं इसको ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, थोड़ा सा और चटपटा करने के लिए इसके ऊपर भुजिया डाल दिए। आपको पसंद हो तो आप डाल लो, नहीं पसंद है तो आप इसको ऐसे ही खा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर पोहा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी बन गए हमारे पोहा और बहुत सुंदर बने हैं, बहुत टेस्टी।